तुरंत क्या होता है, गुरु के प्रति बहुत सम्मान होता है। और जब से इसने किसी बड़ी संस्था या किसी भी संस्था में प्रवेश लिया तो गुरुजी को पहली एक ही चीज़ सिखाई जाती है कि अगर अंदर 40 बैठे हैं तो 40 से 38 हो गए तो वेतन कम हो जाएगा, और 40 से अगर 42 कर दोगे तो निरंतर वेतन बढ़ेगा। तो गुरुजी पहले ही दिन आता है और कहता है, देखो मेरे सामने जो बैठे हैं, कोई IIT रुड़की का है, कोई IIT दिल्ली का है, कोई IIT मुंबई का लड़का बैठा है। और वो उनको प्रोत्साहन करता रहता है, एक अंधविश्वास एक अंधकार में धकेलता जाता है। और 2 साल की तैयारी के दौरान कभी भी उस चीज़ के अंदर चीज़ों को विकसित नहीं कर पाता है कि जब वो बच्चा फेल होता है तो वो इस चीज़ को स्वीकार कर ले। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत पढ़ाते हैं, पर दिक्कत क्या है कि एक शिक्षक होने के नाते सबसे महत्वपूर्ण दायित्व होता है किसी भी व्यक्ति का कि आपको बच्चे की क्षमताओं के अनुसार केवल आर्थिक लाभ नहीं देखना है, आपको ये भी देखना है कि राष्ट्र का सर्वोच्च पद एक शिक्षक होता है जो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देता है। आपको उस बच्चे की क्षमताओं के अनुसार उसे बताने की आवश्यकता है कि बेटा IIT PMT अगर नहीं निकाल सकता तो जीवन का अंतिम छोर यही नहीं है, इसके अलावा भी जीवन में बहुत ऑप्शन है, क्योंकि जीवन 18-19 साल तक सीमित नहीं होता। आपके जीवन को बनाने के कम आपके पास 30 से 40 साल का समय होता है, और तू तो अभी पहली सीढ़ी पर है। जितनी ज्यादा ठोकर खाएगा शायद उतना ही बेहतर जीवन निर्माण करने में क्या हो जाएगा, सक्षम। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप जब भी कोई निर्णय लेते हो अपने पिताजी से सबसे आप विचार विमर्श करो। ऐसा नहीं है कि पड़ोसी ने कहा कि आपको ये करना है और आप उसी के दबाव में जी रहे हो। ये समाज है, हो सकता है सकारात्मक ऊर्जा कम दे और नकारात्मक ऊर्जा आपको ज्यादा मिले, परंतु आपको हर इस साधन की उपयोगिता की आवश्यकता होगी। और माता पिताओं से भी मेरी एक अपील है, किसी भी लक्ष्य का जब आप निर्धारण करते हो अपने बच्चे के लिए तो आप केवल अपनी समझ के आधार पर या जो आपने उसको बचपन से लेकर आज तक सोचा उसके आधार पर बच्चे पर अपने लक्ष्य को या अपने सपने को आरोपित करने की कोशिश मत करो। आप उस बच्चे की क्षमताओं के अनुसार, उसकी अभिरुचि के अनुसार एक बार साथ देकर तो देखो, क्योंकि इतना क्षेत्र है, इतनी चीजें हैं कि आप बहुत ज्यादा बेहतर करवा सकते हो उस बच्चे के अंदर। उसका बेस्ट निकालने के लिए आपको उसके इंटरेस्ट को बाहर निकालना पड़ेगा, तो आपको चयन बहुत सोच समझ कर करना है इस करियर का, जो आप लोगों के लिए बहुत बेहतर होगा। आज की कक्षा में हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे, आगे एक एक नौकरी पर हम लोग डेली इस एक चैनल के माध्यम से धीरे धीरे इस सामाजिक क्षेत्र का हम प्रयोग करेंगे, और आपके बेहतर भविष्य के लिए जो उचित ज्ञान या जो क्षमता मेरी होगी मैं आपको निरंतर मार्गदर्शित करता रहूँगा। धन्यवाद।